आज मेरे एक्सरसाइज का 10 डे है, मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, पसीने में हो गई हूँ पूरी। और हम कहीं जाते ही नहीं हैं यार, सब जाते हैं तो फिर काम की वजह से ही जा पाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि गुस्सा करें। वैसे गुस्सा तो मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। हाँ देख रखी हो, उसमें अंधी होती है वो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी 10 बज चुके हैं सुबह के, ठीक है। अभी मैं काम वाम ही कर रही थी अपने घर के, और आज मेरे एक्सरसाइज का 10 डे है, ठीक है। मैंने सोचा सुबह एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन हाउस वाइफ है, काम तो बनता है, मतलब घर के काम ही नहीं पड़ते। झाड़ू पोछा ही कर दिया, ठीक है। फिर कुकू को थोड़ा सा उसे फ्रेश वगैरह करवाया, खुद भी हुई, और कपड़े लगाए मशीन में, अभी मैं यहीं पर थी, तो बस अभी कपड़े धुलेंगे और मैं नहाने जाऊँगी। भाई मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को नहीं हो पाई एक्सरसाइज मेरी से ना, क्योंकि अभी शाम को हम कहीं जाएंगे, आज संडे भी है, तो या नहीं भी जाएंगे तो भी मैं सोच रही हूँ सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। अभी हो गया लेट, पर क्या करें, आज मतलब मैंने अभी एक गिलास पानी ही पिया है अभी तक, तो अभी कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और बाकी मैंने नाइट सूट डाला हुआ है जो मैं कल लेकर आई थी वी मार्ट से, तो ये एक्चुअली से मेरी एक दिक्कत हुई थी, ठीक है। वो दिक्कत हमारा पोपट बन गया कल, क्या हुआ कि मैंने नेक सूट सेलेक्ट कर लिया पहले, और मैंने सोचा कि ये अच्छा है, मतलब कपड़ा भी इसका अच्छा लग रहा था मुझे, और इसका जो पैंट था, मतलब नीचे का जो लोअर था वो इसके अंदर था, मतलब इस टॉप के अंदर था, तो मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। इसका बिल वगैरह सब कुछ हो चुका, और फिर हम घर आए, घर आके पता चला कि ये तो कैप्री है। तो आशीष ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो कैप्री पहन लो, घर में ही पहन लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे फिर याद आया कि आज से 4 से 5 साल पहले मैं पहनती थी घर पे अपने कैप्री, ठीक है। और शादी के बाद कितना कुछ चेंज हो जाता है ना यार लड़की की लाइफ में, मतलब अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती है वो। पर आशीष ने मुझे कभी रोक टोक नहीं करी इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप पहन लेना और घर में ही पहन लेना। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं अभी। और आशीष की कुछ कुछ आदतें ना मेरे पापा जैसी हैं, मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही बोलते थे कि तू जिस चीज़ में खुश है वो किया कर, दुनिया की मत सोचा कर। तो ऐसे वो मुझे बोलते हैं कि जिस चीज़ में खुश हो वो किया करो, किसी की मत सोचना। तो बस हो गई पति और पापा की बहुत अच्छाई, अभी चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और पापा बेटी अपना कार्टून, मतलब उसे कार्टून दिखा रहे हैं, संभाल रहे हैं उसको, तो मैं अभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर फटाफट नहा के और फिर फटाफट नाश्ता करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं गाइस। आज मॉर्निंग में आशीष ने एक्सरसाइज करी थी, तो मैट जो है वो गीली है, तो मैं आज ज़मीन पर ही करने वाली हूँ फ्रेश पर, मतलब एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। देख लो इस लड़की ने सब यहाँ फैला दिया फिर से। बेटा क्यों करती है तू, मेरे काम बढ़ाती है, हैं? मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, पसीने में हो गई हूँ पूरी, और मैं इसी वजह से करना चाह रही थी कि अभी पसीने में हो जाऊँगी, कपड़े वपड़े सब चेंज हो जाएंगे, नहा धो के मैं फ्रेश हो जाऊँगी, ठीक है। तो बस अभी ये हो गया काम, और जाती हूँ नहाने के लिए, थोड़ा पसीना सूख जाए उसके बाद जाती हूँ। और इसके पापा कुछ काम कर रहे थे तो ये मेरे पास आ गई, घूमते पीते आ गई। और ब्रेकफास्ट में आज बनेंगे चने छोले की चाट। मैं चने की चाट बोला था लास्ट टाइम भी, पर किसी ने मुझे मतलब करेक्ट नहीं करा, तो मैंने छोले की चाट बनाई थी पिछले टाइम भी, और इस टाइम भी मैं वही बनाऊंगी छोले की चाट। तो मैंने उबाल तो दिए थे, अभी बस उसमें प्याज टमाटर वो सब कुछ काटना बाकी है, तो वो काटूँगी। पहले नहा लेती हूँ फटाफट, थोड़ा पसीना सूखे फिर नहाती हूँ, फिर बनाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग गाइज, और अब सुबह से लेके अब जाके शूट हो रहा है व्लॉग, ठीक है। हम लोग सो गए थे खाना वाना खा के, और अब थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि मूड थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। हम कहीं जाते ही नहीं हैं यार, सब जाते हैं तो फिर काम की वजह से ही जा पाते हैं, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आज लकोटा लेक होके आते हैं। बहुत टाइम बाद जा रहे हैं यार, बहुत टाइम बाद, मतलब कुछ काफ़ी महीने हो गए उसके बाद जा रही हूँ, और हम तैयार हैं। हेलो, नहीं ये लेके नहीं जाएंगे बेटा, हम लेके जाएंगे, वो सोच रहे कि तुम लेने आई हो। तो अभी चलते हैं। और गाइस आशीष जी ने कल वाले कपड़े जो अपने लिए थे वो पहन भी लिए हैं, जैसे मैंने पहन लिए थे नाइट सूट, तो ये भी ऐसे बोले मैं भी पहनूंगा। और कुकू मेरी बेचारी बच्ची पुराने कपड़े पहन के बैठी है, इसे कल हमने पहनाया था, इसके निकल लेकर आए थे, जो इसने उनमें सूसू भी कर दिया, चूचू भी कर दिया था मम्मी बेटी ने, मामा कह रही मैं
गाइस कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इनके मुंह में दवाई भरी हुई है, तो ऐसा मत सोचना कि गुस्सा करे। वैसे गुस्सा तो मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। आप कुछ बोल नहीं पाएंगे है ना बोल नहीं पाएंगे कुछ। हाँ बाइक धुला रहे हैं ना? बाइक धुला ले शिवांगी, बाइक धुल रहे हो क्या? अच्छा स्कूटी साफ कर रहे हो क्या? इनके भी कर देना। चलो हम पहुंच गए यहाँ पे। और आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? मतलब संडे के वजह से है कि ऐसे ही? देखना पूरी लाइन लग रखी है यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन तो कभी नहीं लगी यहाँ पे। कुकू कुकू आजा आजा मेरा बच्चा, क्यों रो रही है? A few moments later. तो गाइस आ गए हम अंदर और कुकू तो अपना दौड़ने लगी है। यहाँ देखते ही बच्चों को सब यहाँ खेल रहे हैं और हवा बड़ी अजीब सी चल रही है यार, पता नहीं क्यों दो तीन दिन से हवा बड़ी गंदी चल रही है और लाइट इतनी भगा रहे हैं, बस पूछो मत। आ जाओ कुकू, चलो ना बेटी। नहीं मम्मा की गोदी नहीं, पैदल चलो। नहीं अब ऐसे करने लगे, बताओ क्या करे पुष्का? पकड़ो चाहे कुछ भी, अब नहीं मानती है ये, अब तो गोदी चाहिए बस। तभी तो मैं ऐसे कहीं लेके नहीं जाती फिर। रुक जाओ बेटा थोड़ी देर तो खेल ले जा, मम्मा नहीं बेटा। चलो बैठेंगे हम कहीं, चलो वहाँ बैठेंगे, चलो देखो वहाँ बैठेंगे, चलो बैठेंगे हम। यहाँ फवारे नहीं चल रहे क्या? फवारे हिंदी लैंग्वेज। हाँ वहाँ चल, चलो वहाँ चलते हैं फिर। हाँ चलो तो सही, कहीं तो चलो, ये बच्चा रोने लग रहा है। तो गए जा से ले जा रहे हैं, थोड़ा बहाना बना बना के लेके गए उसको तो अभी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। वो सब थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करने बैठ गए थे यहाँ पे, एक दो फोटो क्लिक करी हैं। अभी आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं, फिर थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और हमारा भी पता है पूरा पूरा टाइम घर में रह के ना यार बोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोर। देख लो गाइस थोड़ी थोड़ी देर में लेट जा रही जमीन पे, इतनी बदतमीज हो रही है लड़की, बस क्या करूँ। इसकी हरकतों पे हंसी भी आती है और मुझे गुस्सा भी आता है, ऐसे करती है ये काम। इसके पापा गुस्सा कर रहे हैं और वो उठ नहीं रही है, डीट होगी डीट बिल्कुल। गाइस जैसे जैसे रात होना स्टार्ट हो रही है ना, तो ये चमगादड़ भी यहाँ पे इतने दुगने हो जाते हैं, मतलब अभी तो बहुत सारे हैं, इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, पूरा आसमान भर जाएगा चमगादड़ों से। यहाँ पे देख रहे हो आप कितने ज़्यादा रखे हैं यहाँ पे। One hour later. Guys, थोड़ी सी वॉक कर ली और घूमना भी हो गया और 10-day चैलेंज खत्म हो गया आज मेरा। अभी यार कुछ खाया नहीं हमने, मतलब दिन में खाया था तब से कुछ खाया नहीं है। देखते हैं अभी कुछ खाएंगे बाहर या फिर घर जाके खाएंगे। और बहुत अच्छा लगा मुझे 10 दिन का चैलेंज लेके ना, थोड़ा अभी। हाँ मैंने बताया नहीं कि वेट लूज़ कितना किया। देखो मैंने वेट लूज़ आई थिंक नहीं करा होगा, लेकिन मेरा जो पेट है ना वो कम तो हुआ है, क्योंकि मेरे जो टी शर्ट जो थोड़ी फिट हो रही थी ना वो थोड़ी थोड़ी ढीली हुई है, मुझे ऐसा फील हुआ है। बाकी तो अभी जैसे दिन बढ़ाती जाऊँगी तो उस हिसाब से ही वो और कम होता जाएगा पेट ना, ठीक है। और कुकू के पापा उसे ऐसे लेके जा रहे हैं मज़े से, हम बाहर जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ की लाइटिंग बड़ी प्यारी हो जाती है, सामने से दिखाऊँगी। और देखो म्यूज़ियम कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी पहले गेट पर पहुँचे फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हेलो कर दो कुकू। लाज सजीनी, ओम शांति ओम मूवी बहुत अच्छी थी, ठीक है। मतलब है साहब देखिए,
हाँ मैंने देखी थी भाई, मेरी फेवरेट हीरोइन की मूवी है, मैं क्यों नहीं देखूंगी। तो आपने सारी मूवी देख रखी है इसकी? हाँ मैंने सारी देख रखी है। दबंगे परिंदे देख रखी है? दबंग कौन से परिंदे? दबंगे परिंदे हाँ देख रखी है, उसमें अंधी होती है वो। इसको लगता है मैंने देखी नहीं है, सब चीज देख रखी है मैंने। गाइस देखो इसकी खूबसूरती, ठीक है। और मैं वैसे काफी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ यहाँ का लोकोटा लिख का लोकेशन, लेकिन आईफोन की बात तो अलग होती है ना गाइस। बात तो सही है। आईफोन की क्लैरिटी देखो तो, हम तो आए नहीं। आओ आओ आप भी आओ। आईफोन की क्लैरिटी तो आईफोन है ना यार, क्या बात। जब पैसे खर्च करे तो दिखाएंगे आपको। मेरा पति है, मेरा बच्चा, वो उसे मजा आ रहा है ना आपके कंधे बैठ के। अब इसे नीचे उतार दो, आप थक गए होंगे। चलो गाइस अब गेट आ चुका है यहाँ पे, हम जा रहे हैं घर, ठीक है। और आई थिंक कोई मना भी कर देगा वीडियो बनाने से, यहाँ पे अलाउ नहीं है थोड़ा सा। तो गाइस कुछ सब्जियाँ लेने आ चुके हैं बाहर, कुछ खाने का मन नहीं किया तो सब्जी लेने ही आ गए। तो घर जाएंगे अपना कुछ बनाएंगे, वरना तो सैलेड खा के ही सो जाएंगे। तो गाइस घर आ गए थे हम लोग, और अभी खाना वाना नहीं बना रहे क्योंकि आशीष का भी मन नहीं खाने का और मेरा भी नहीं खाने का। तो हम बस सैलेड खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये सैलेड मैंने निकाल लिया, आज इतने खीरे बच रहे थे, मार्केट गए खीरे मिले ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। मिले तो इतने महंगे मिले कि हमें लेने का मन ही नहीं कर रहा। हमने सोचा चलो फिर कभी आके ले लेंगे, क्योंकि लोकल में यहाँ आंटी हमें बहुत सस्ता देती हैं खीरे, और बाहर वहाँ जाते हैं तो वहाँ महंगे मिलते हैं, तो फ़ायदा क्या लेने का भी। तो यहीं से ले लेंगे पास से, अभी ये खा लेते हैं और कल के कल देखेंगे, ठीक है। तो मैं कट कर देती हूँ इनको, और बाकी इसके बाद कुछ है नहीं ब्लॉग में, लेकिन फिर भी मैं अभी एंड नहीं कर रही ब्लॉग, देखते हैं अभी, ठीक है। हाँ एक चीज़ और देखो, हमें भूख लगती है ऐसी बात नहीं है, नहीं लगती है, लेकिन यही हमारी डाइट है, मतलब कंट्रोल करना ही होता है ना भूख को, तभी तो आप डाइट कर पाओगे, तभी तो आप एक्सरसाइज पे, मतलब एक्सरसाइज करने का कुछ फ़ायदा होगा बॉडी पे, तभी तो लूज़ होगा वेट, ऐसे कैसे हो जाएगा वरना। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है भूख पे ना। तो बस बाकी मैं एक टाइम की रोटी से बच गई, मतलब मजाक कर रही हूँ, बनानी तो पड़ती है क्या करें, लेकिन थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिल जाता है अपने आप को, बॉडी को, क्योंकि इस टाइम आके ना बहुत बॉडी थक रही होती है, ऐसा लगता है बस बेड मिल जाए, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते। हाँ बताओ, यहाँ बोलो जो बोलना है। खुद खा रहे हैं सैलेड, मुझे एक बार भी नहीं पूछा इन्होंने, और वेब सीरीज भी खुद देख रहे हैं अपने आप। चलो देख बाबू अब बदल गए, पानी पीने के मामले में पूछना नहीं होता, खा लेना होता बस। फिर मैं भी आज के बाद ना आपको पूछूंगी, मैं खुद खा लूंगा अभी, ठीक है। ठीक है बोल रहा, फिर मुझे कल बोलेंगे कैसे बोल दिया, कैसे खा लिया आपने। अभी मैं अच्छा वेब सीरीज देखने है आपको, मतलब ये जरूरी है कि मैं जरूरी हूँ ये बताओ। पर देखनी है जरूरी है, हाँ फिर जरूरी वो भी ना। कितने गंदे हो आप, कितने गंदे हो। तो गाइस सैलेड हमने खा लिया, और कोको का भी कार्टून चल रहा है, ठीक है। हमें सोना है अभी क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है आशीष की, और मैं भी अपने काम करूँगी। बाकी मैं कोको का दूध गर्म कर रही हूँ अभी, कोशिश करते हैं कि रात को भी दूध पिला दें, तो बस वही गर्म करना है। मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करिए मजा चैनल को। फिर गाइस बाय, गुड नाइट, सोना ध्यान रखिए। और हाँ पेट तो देखो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो फोटो ऐड कर दूंगी मैं, मेरे पास होगी पिछली की और अभी की, तो फोटो ऐड कर दूंगी। बाकी आप समझ जाना कि थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है 10 डेज़ का। बाकी मैं इनको बढ़ाती रहूँगी, और जब बढ़ाऊँगी तो आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। अभी मतलब कल मिलते हैं, बाय बाय।